हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस सेशन में आई वाइड ब्लेंड शेप बनाना सीखेंगे। मैं मेन फेस को डुप्लिकेट कर लेता हूँ और इस ग्रुप को रीनेम कर लेता हूँ। ये हमारा आई वाइड ग्रुप होगा, आई वाइड GRP01। और इसके बाद हम लोग जो इनर पोर्शन है, जो मैश है, उसको भी रीनेम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट का बनाएंगे, तो लेफ्ट आई वाइड हो गया। और इसके अंदर के रेस्ट जो बचे हुए हैं डेंचर, उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। टंग अप और डाउन टीथ जो हैं उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, ओनली फेस और आइज हमारे रहेंगे। तो इसको हम लोग रीनेम कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे, जूम करके हम लोग लूप सेलेक्ट करेंगे। फेस मोड में आके और सॉफ्ट सेलेक्शन ऑन करके हम लोग इस तरीके से एक लूप सेलेक्ट कर लेंगे, जो डाउन है और अप लीड है दोनों का हम लोग कुछ फेसेस सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और स्केल मोड में आएंगे, स्केल मोड में आके इसको वाई एक्सिस में हम लोग इस तरीके से स्केल करेंगे और थोड़ा सा फॉलो अप और बढ़ा लेंगे हम लोग सॉफ्ट सेलेक्शन का। तो इस तरीके से हमने आई को ओपन किया, बट ये अभी हमारा जो लूप है वो प्रॉपर नहीं है। इस लूप को हम लोग मेंटेन करेंगे, जो कर्व शेप होगा हमारा आई का, जो कर्व होगा उसको भी मेंटेन रखेंगे। देखिए डिस्टॉर्टेड लग रहा है, फील अच्छा आना चाहिए, तो वो भी हम लोग मेंटेन करके चलेंगे। इसको हम लोग फ्रंट व्यू से चेक करते हैं। तो ये देखिए अभी हमारा आई पूरा प्रॉपर जो शेप है उस शेप में नहीं दिख रही है, तो थोड़ा शेप को भी हम लोग चेंज कर लेंगे। ये इस तरीके का हमारा जो है फाइनल ब्लेंड शेप बन गया है। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे मेन फेस के साथ, ऐड ब्लेंड शेप और फेस बीएस को सेलेक्ट करेंगे नोड और अप्लाई कर लेंगे। ये हमारा वर्क कर रहा है। शेप एडिटर में हम लोग इसको जिस तरीके से हम लोग पहले से करते आ रहे हैं उसी पैटर्न से हम लोग डुप्लिकेट कर लेंगे और रीनेम कर लेंगे। ये हमारा राइट आई वाइड है, तो राइट आई वाइड एंटर एंड देन फ्लिप टारगेट, तो ये हमारा राइट आई वाइड हो गया। अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे और कनेक्ट कर देंगे कनेक्शन एडिटर के थ्रू। ये देखिए ये हमारा ब्लेंड कंप्लीट हो गया आई वाइड का। सो दोस्तों, हमने तीन आई के ब्लेंड बनाए, आई वाइड, स्क्विंट और ब्लिंक। ये तीन हमने ब्लेंड आई के बना लिए। अब हमारा नेक्स्ट ब्लेंड शेप जो होगा वो पफ होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पफ बनाना सीखेंगे, किस तरीके से पफ ब्लेंड शेप बनाएंगे। सो थैंक यू दोस्तों।